हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल फैमिली ट्रैवल। चलिए इस बार हम आपको लिए चलते हैं एक छोटे से पहाड़ी शहर लंडौर, जो कि मसूरी से सिर्फ 5 किलोमीटर की दूरी पर है। लंडौर आप अपनी गाड़ी से भी जा सकते हैं, देहरादून मसूरी होते हुए आप लंडौर पहुंच सकते हैं, और अगर आप चाहें तो आप ट्रेन से भी आ सकते हैं, जैसा कि हमने किया था। हमने दिल्ली से ट्रेन ली, देहरादून तक पहुँचे, वहाँ से हमने कैब हायर किया और हम लंडौर पहुँचे। डिस्टेंस फ्रॉम देहरादून रेलवे स्टेशन टू लंडौर इज अप्रॉक्सीमेटली अराउंड 35 किलोमीटर्स। देहरादून रेलवे स्टेशन से हमने एक कैब लिया और लंडौर की ओर निकल पड़े। रास्ते में हमें ये एक पुराना शिव जी का मंदिर दिखा, जो कि प्रकारेश्वर महादेव टेंपल कहलाया जाता है। काफ़ी भीड़ थी उस दिन। ये बिल्कुल मेन रोड के ऊपर, देहरादून मसूरी रोड के ऊपर ही आएगा। आप अभी रास्ते के राइट हैंड साइड में ये जो ट्रैफिक जाम देख रहे हैं, हम पहुंचे थे वहां पर 1 जनवरी 2024। तो नया साल शुरू होने की वजह से काफ़ी लोग 31 मनाने के लिए यहां मसूरी देहरादून आए हुए थे अपनी गाड़ियां लेके। तो इस वजह से वहां काफ़ी ज़्यादा भीड़ थी, पूरे रास्ते में ट्रैफिक लगा हुआ था। तो हमें बाद में ये भी सुनाई दिया कि काफ़ी लोगों ने अपनी फ्लाइट भी इस वजह से मिस किया था उस दिन। ये है हमारा होटल ला विला वेथिन। ये बेसिकली एक ब्रेड एंड ब्रेकफास्ट होटल है, ज़्यादा बड़ा नहीं है, छोटा सा है, बट बहुत ही खूबसूरत है। थोड़ा सा मेन रोड से नीचे उतर के आके आपका ये होटल है। यहाँ से जो फेमस लंडौर का विंटर लाइन फॉल है वो बहुत अच्छा दिखता है। ये हमारा कॉटेज जो हमने लिया था स्पेशली, यहाँ पर अंदर पूरा किचन बना हुआ है। अगर आप कुछ खुद बना के खाना चाहते हैं या गरम करके खाना चाहते हैं, आप वो कर सकते हैं। इट्स अ वेरी कोजी प्लेस। विंडोज से बाहर का जो व्यूज़ है वो भी बहुत अच्छा है। और देखिए ये कितने अच्छे से कॉम्पैक्ट में बहुत अच्छा बनाया हुआ है। और ये फैमिली के लिए ये कॉटेज बहुत अच्छा है। ये ऊपर 2 सिंगल बेड्स लगे हुए हैं, वेरी गुड फॉर अ स्मॉल फैमिली। लंडौर इज बेसिकली ए कैंटोनमेंट टाउन। अगर आप थोड़ा सा भीड़ भाड़ और हसल बसल से दूर रहना पसंद करते हैं तो लंडौर इज अ परफेक्ट गेटवे फॉर यू। यू कैन टेक द वॉकिंग ट्रेल, इट्स इन द शेप ऑफ एन एट। जहां से आप शुरू करेंगे आप वहीं वापस पहुंच सकते हैं, आप कहीं खोएंगे नहीं। शाम को चलते चलते हमें ये आईवी कॉटेज दिखा, जो कि वहां का एक फेमस स्पॉट है। तो हमने शाम का कुछ टाइम यहां पर बिताया। ये है लंडौर का फेमस विंटर लाइन। ये देखने के लिए लोग काफी दूर दूर से आते हैं। And you can see this only at the time of sunset. शाम को जब हम वापस अपने होटल आए तब वहां से भी हमें थोड़ा सा विंटर लाइन दिख रहा था। होटल को बहुत अच्छे तरीके से लाइट से सजाया हुआ था, क्योंकि क्रिसमस देन न्यू ईयर गेस्ट पूरे भरे हुए थे। हम 1 जनवरी पहुंचे थे तो थोड़ा सा होटल खाली था।
नेक्स्ट डे मॉर्निंग वी बिगन अवर वॉक फ्रॉम अवर होटल ला विला बेथनी एट अराउंड 10 AM इन द मॉर्निंग। उसका कारण ये था कि जितनी जल्दी सुबह आप ये वॉक स्टार्ट करेंगे उतना ही आपको कम भीड़ मिलेगा, क्योंकि जो लोग मसूरी घूमने आते हैं वो एक बार यहाँ जरूर आते हैं। So when planning this heritage walk around the infinity loop of Lindor, do so in the early hours of morning. अब ये जो चर्च आपके सामने है इसका नाम है केलॉग मेमोरियल चर्च। The church had a high significance in the times bygone as it was built as a Presbyterian church in 1903. इस चर्च को लिंडोर लैंग्वेज स्कूल के नाम से भी जाना जाता था क्योंकि यहाँ पर ब्रिटिश सोल्जर्स को हिंदी सिखाई जाती। अभी थोड़ी देर पहले मैंने इन्फिनिटी लूप कहा था। व्हाट इज दिस? ये इन्फिनिटी लूप एक वॉकिंग ट्रेल है जो इस लिटिल टाउन ऑफ लिंडोर को पूरा कवर करता है इन द शेप ऑफ एन ए। इट्स अ वॉकिंग ट्रेल which takes whole day to cover अगर आप हमारी तरह slow walkers हैं, लेकिन ये इस town के सारे major attractions को cover करता है। और हम लोग fortunate हैं कि हमारा जो stay था वो इस loop के बिल्कुल intersection पे situated था। अब हम आ पहुंचे हैं द फेमस चार दुकान। इसके बारे में तो आपने सुना ही होगा। चार दुकान नाम इसलिए पड़ा क्योंकि यहाँ पर चार दुकानें ही हैं। यहाँ पर आप गरम-गरम कॉफी, टी, वॉफल्स, पैनकेक्स और भी बहुत कुछ ट्राई कर सकते हैं। यहाँ पर आप घंटों अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ में टाइम भी स्पेंड करते हैं। लोग यहाँ पर शाम को मसूरी से आके बैठ के विंटर लाइन भी एंजॉय करते हैं। ये लेफ्ट वाला रोड एंड दिस राइट रोड, ये दोनों रोड ही जाके डोमास कैफे एंड इन तक पहुंचते हैं। दोनों रोड से ही आप डोमास कैफे एंड इन तक जा सकते हैं। और ये जो सामने जगह आप देख रहे हैं चार दुकान के, यहाँ पर लाइव प्रोग्राम्स भी होते हैं फेस्टिवल्स के टाइम पे। लिंडोर बेसिकली एक ऐसी जगह है और ये उन लोगों को पसंद आती है जो लोग थोड़ा सा भीड़ भाड़ से नेचर के बीच में रहना चाहते हैं। ये जो व्यू अभी आप देख रहे हैं, ये व्यू मैं आपको क्यों दिखा रहा, क्योंकि यही व्यू मिस्टर रस्किन बॉन्ड, यस द फेमस नोवलिस्ट, उनके विंडो से यही व्यू दिखता है। ये जो घर अभी आप सामने देख रहे हैं ये मिस्टर रस्किन बॉन्ड का घर है जहां पर वो प्रेजेंटली अभी रहते हैं। हाँ, लेकिन वो अभी किसी से मिलते नहीं हैं। पोस्ट कोविड उन्होंने डायरेक्टली लोगों से मिलना बंद कर दिया है। पहले वो मिलते सिंस 1980 ही इज लिविंग हियर एंड हैज रिटन his most of his stories and novels from here itself. अब ये जो सामने आप रोड देख रहे हैं ये रोड भी चार दुकान तक जाती है जो मैंने आपको ऊपर दिखाया था, बट इट इज क्वाइट स्टीप। सो बिफोर डिसाइडिंग दैट यू विल टेक दिस रोड टू चार दुकान, आप सोच के जाए। ये है डोमास कैफे एंड इन। ये बजट ट्रेवलर्स के लिए बहुत ही अच्छा लोकेशन है, राइट बिसाइड्स द रस्किन बॉन्ड्स हाउस। लेकिन हाँ, यहाँ से चार दुकान काफ़ी दूर है बाय वॉकिंग। और इस डोमास कैफे एंड इन से थोड़ा सा आप अगर नीचे की तरफ चलेंगे तो वहाँ से आपको मसूरी का क्लॉक टावर दिखेगा। चार दुकान
के राइट हैंड साइड से हम लोग गए थे रस्किन बॉन्ड्स के घर तक और डोमास कैफे इन तक। अब चार दुकान के लेफ्ट हैंड साइड से जब आप जाएंगे देन यू विल रीच लाल टिब्बा। अब हम आ पहुंचे हैं लाल टिब्बा। यहां से आपको चार धाम के पिक्स जैसे कि केदारनाथ, बद्रीनाथ, यमुनोत्री, गंगोत्री आपको दिखाई देगा अगर बहुत ही क्लियर स्काई हुआ तो। ये जो लेफ्ट हैंड साइड में आप कैफे देख रहे हैं इस कैफे में बैठने के लिए चार्जेस है, या फिर मैं ऐसा कहूं कि यहाँ पर बैठने के लिए आपको कुछ ऑर्डर करना पड़ेगा तभी वो आपको अंदर बैठने देंगे, या फिर इसके टॉप फ्लोर टेरेस में जाने देंगे जहाँ पर एक बहुत ही पुराना जापानीज बाइनोकुलर लगा हुआ है जिससे आप वो माउंटेन पीक्स देख सकते हैं। अच्छा एक और चीज, लाल टिब्बा इज द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ लेंडोर। लाल टिब्बा से आप आगे चलना शुरू करिए और आप पहुंचेंगे सिस्टर्स बाजार एंड लेंडोर बेकरी। Yes, this is Sisters Bazaar. बाजार सुनते ही आपको लग रहा होगा बहुत सारे दुकानें होंगी, शॉपिंग करने के लिए बहुत सी चीजें होंगी, बट यहाँ पर देखने के लिए दो ही चीजें हैं, एक ए प्रकाश एंड कंपनी का जनरल स्टोर जहाँ का जैम, पीनट बटर एटसेट्रा आर फेमस, और दूसरा है लेंडोर बेक हाउस जो कि अभी आपके राइट हैंड साइड में आपको दिख रहा है। यहाँ पर मसूरी में जो लोग रहते हैं वो लोग भी आते हैं लेंडोर बेक हाउस का खाना टेस्ट करने के लिए, इसीलिए हमेशा ही यहाँ पर वेटिंग रहता है। सो आप अपने हाथ में थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम लेके आए। This is the reception area of our hotel La Villa Bethin. उन्होंने काफी अच्छे से इसको सजाया हुआ है, अलग अलग जगह से जो उन्होंने चीजें कलेक्ट की हैं वो उन्होंने डिस्प्ले किया हुआ है, लाइटिंग्स, कलरफुल डेकोरेशंस, ये उनका सिटिंग एरिया है, क्रिसमस ट्री उन्होंने लगाया हुआ है क्योंकि अभी कुछ दिन पहले ही क्रिसमस था, बुक्स उन्होंने काफी रखी हुई हैं बड़ों के लिए भी और बच्चों के लिए भी। हमने जो कॉटेज बुक किया था वो थोड़ा सा रिसेप्शन एरिया से ऊपर है जो कि अप्रोक्सीमेटली 21 स्टेप्स फ्रॉम दी रिसेप्शन ऑन दी टॉप। नाउ वी रीच्ड आवर कॉटेज डोर और मैं आपको यहां से नीचे का एरिया भी दिखाता हूं। वो देखिए रिसेप्शन एरिया दिख रहा है और जो ओपन एरिया मैंने आपको पहले दिखाया था वो दिख रहा है। डे थ्री में हमने कैब बुक किया फॉर मसूरी ट्रिप, अप्रॉक्सीमेटली उसने हमसे चार्ज किया 4000 रुपीज के आसपास।
अब हम पहुंच गए हैं भट्टा फॉल्स। ये एक नया पिकनिक स्पॉट के हिसाब से बनाया गया जगह है, जहां पर एक वाटरफॉल भी है जिसका नाम है भट्टा फॉल्स। भट्टा फॉल्स तक पहुंचने के लिए आप पार्किंग से फिर केबल कार के थ्रू ऊपर फॉल्स तक पहुंच सकते हैं। ये नया बना है, इसलिए अभी ज़्यादा कमर्शियलाइजेशन इसका हुआ नहीं है, लेकिन अब धीरे धीरे इसकी पॉपुलैरिटी भी बढ़ रही है। ये ऐसे व्यूज आपको केबल कार से दिखेगा जब ऑन द वे टू भट्टा फॉल्स। ये है अम्यूजमेंट पार्क भट्टा फॉल्स का। यहाँ पर ऐसे बोटिंग राइड्स भी आप ले सकते हैं, कुछ स्लाइड्स हैं, कुछ रेन डांस एरिया बनाया गया है, खाने पीने की जगह भी है। भट्टा फॉल्स में आकर आप स्विमिंग भी कर सकते हैं, रेन डांस कर सकते हैं, वाटर वॉकिंग रोलर कर सकते हैं। ये सारे चार्जेस आपके उसके सामने लिखे हुए हैं, ये चीज़ें आप एंजॉय कर सकते हैं। यहाँ पर जिस रोपवे की मैं बात कर रहा था, उस रोपवे का टू वे कॉस्ट है 250 रुपीज़ पर पर्सन, और वन वे का चार्जेस है 150 रुपीज़ पर पर्सन। ये जो आप देख रहे हैं, ये भट्टा फॉल्स से जो पानी नीचे आ रहा है, ये वो है। ये देखिए, इन्होंने कुछ टेबल्स पानी के ऊपर लगाए हुए हैं, जहां पर बैठ के आप कॉफ़ी, मैगी और जो चीज़ें यहाँ पर मिलती हैं वो चीज़ एंजॉय कर सकते हैं। ये अलग एक थोड़ा सा उन्होंने नेचर को एंजॉय करने का तरीका निकाला है। ये अब हम पहुँच गए हैं भट्टा फॉल्स के टॉप में, जहाँ से पानी नीचे आ रहा है। यह है भट्टा फॉल मसूरी। आजकल ये थोड़ा ज़्यादा चलने लगा है कैंपटी फॉल्स के कंपैरिजन में। यहाँ पर गेम्स, स्विमिंग पूल्स बच्चों के लिए बनाए गए हैं। लोग पिकनिक करने के लिए भी आते हैं आजकल। आपको ऊपर पार्किंग से टिकट लेके 250 रुपीज़ का केबल कार के थ्रू नीचे लेके आएंगे, वहाँ ड्रॉप करेंगे। आप वहाँ जितनी देर चाहें
अपना टाइम स्पेंड कर सकते हैं। उसके बाद फिर वापस उसी केबल कार में आपको ऊपर पार्किंग तक छोड़ दिया जाएगा। एम्प्टी फॉल्स में थोड़ा सा भीड़ भाड़ होने की वजह से और थोड़ा रोड्स की कंडीशंस की वजह से आजकल लोग यहाँ आने लगे हैं, क्योंकि यहाँ बच्चे आके भी एंजॉय करते हैं। पैडल बोट्स हैं, जिप लाइनिंग है, रेन डांस है, ये सारी चीज़ें यहाँ बच्चे फैमिली सारे एंजॉय कर सकते हैं। तो यू कैन गिव इट अ ट्राई। दिस इज़ भट्टा फॉल, मसूरी। अभी हम लोग आए हैं जॉर्ज एवरेस्ट बेस कैंप। पर पर्सन टिकट रेट 200 रुपीज। स्टूडेंट 6 to 11 years, 100 रुपीज पर स्टूडेंट। नीचे पार्किंग लॉट से ऊपर कैंप तक छोड़ने के लिए इनके पास ATVs भी हैं। वन साइड चार्जेस 100 रुपीज। लेकिन अभी जब हम आए हैं दोनों ATVs अंडर मेंटेनेंस, बैड लक। एवरेस्ट बेस कैंप के ऊपर तक आप अपना प्राइवेट कार लेके आ सकते थे, लेकिन अगर कमर्शियल कैब होगा तो वो नहीं अलाउड है। बेस कैंप के मेन पॉइंट से आप थोड़ा सा ऊपर और चढ़ेंगे तो वहाँ से आपको पूरा चारों तरफ का जो व्यू है वो 360 डिग्री व्यू आपको देखने को मिलेगा। क्लियर नाइट स्काई में यहाँ पर स्टार गेजर्स आके स्टार गेजिंग भी करते हैं। यहाँ पर आप हेलीकॉप्टर राइड्स भी ले सकते हैं 15 मिनट्स, 30 मिनट्स, ऐसे टाइम के लिए हेलीकॉप्टर राइड्स भी यहाँ पर अवेलेबल है। ये यहाँ से आप हेलीकॉप्टर राइड्स बुक कर सकते हैं। उसके पीछे जो वाइट बिल्डिंग आप देख रहे हैं ये म्यूजियम है। सर जॉर्ज एवरेस्ट के बारे में यहाँ पर अंदर चीजें रखी हुई हैं, बताया गया है। थोड़ी देर एवरेस्ट बेस कैंप में टाइम स्पेंड करने के बाद हम लोग फिर मसूरी मॉल रोड में आ गए। वहाँ अंदर गाड़ी अलाउड नहीं है तो आपको एक साइड से वॉकिंग स्टार्ट करके दूसरे साइड तक जाना पड़ेगा। वहाँ पर फिर आपकी गाड़ी वहाँ से आपको पिक कर लेती है। मसूरी मॉल रोड में बहुत किस्म की दुकानें हैं, वहाँ से आप शॉपिंग कर सकते हैं, खाना खा सकते हैं। एक चीज़ जो वहाँ पर बहुत इम्पॉर्टेंट है, अगर आप बुक्स रीडिंग में इंटरेस्ट रखते हैं तो ये कैम्ब्रिज बुक डिपो। यहाँ पर बहुत तरीके के किताबें मिलती हैं और एक टाइम था जब यहाँ पर
रस्किन बॉन्ड आकर बैठा भी करते थे और अपने बुक रीडर्स से मिला भी करते थे। अभी तक उनका चेयर वहां पर रखा हुआ है। हमने भी वहां पर कुछ शॉपिंग किया, कैम्ब्रिज बुक डिपो में थोड़ी देर टाइम स्पेंड किया, कैम्ब्रिज बुक डिपो के ओनर से थोड़ी देर बात किया। उन्होंने रस्किन बॉन्ड के बारे में हमें कुछ जानकारियां भी दी। फिर उसके बाद हम लोग कुछ अच्छी यादें लेकर लैंडोर से वापस अपने घर के लिए रवाना हो गए। अगले वीडियो तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।